ये खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पहुंचे थे। उन्होंने कांग्रेस के नाराज सीनियर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान मंत्री सिंहदेव ने जोनवार विकास कार्यों के संबंध में कार्यकर्ताओं से चर्चा की और उनकी समस्याओं को सुना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए टीएस सिंहदेव लगातार जोन के सीनियर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात को सिंहदेव ने खुद स्वीकार किया है। दरअसल सीनियर कार्यकर्ताओं में इस बात की नाराजगी देखने को मिल रही है कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी उन्हें महत्व नहीं मिल रहा है। वहीं सिंहदेव ने कहा कि सीनियर कार्यकर्ताओं की नाराजगी को जानते हुए भी नकारा नहीं जा सकता। मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी स्वीकार किया कि लंबे अरसे बाद कांग्रेस की सरकार बनी है और कार्यकर्ताओं से जानकारी मिल रही है कि उन्हें महत्व नहीं मिल रहा है। सिंहदेव ने कहा कि बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर हल करने का प्रयास किया जा रहा है। जो सीनियर कार्यकर्ता हैं जोन के, उनको हम लोगों ने खबर दिया था कि आप लोग से मुलाकात भी होती रहे, क्षेत्र की जानकारियां, क्या स्थितियां हैं, काम कैसे चल रहे हैं, लोगों के बीच में किन बातों का अभाव है, क्या पहल करनी चाहिए, तो उसकी जानकारी लेने के लिए। और साथ में और लोग भी आ जाते हैं, अगर किन्हीं का काम है वो भी सम्मिलित हैं। मुख्य रूप से मुख्य जो हमारे जोन के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं जोन क्षेत्र के, उन लोगों से मुलाकात। हम लोग संगठन के माध्यम से हमेशा काम हम लोगों ने किया है, तो जो कांग्रेस का ब्लॉक संगठन रहता है उसके आगे जोन हम लोगों ने अपने तरफ से निर्धारित किए हैं। उस जोन में के जो प्रभारी हैं और उनके साथी हैं, पोलिंग बूथ के साथी हैं, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास और उनके माध्यम से लोगों से बात करना। स्वाभाविक है कि ये भाव है, इससे इसको नकार करना जानते हुए एक सच्चाई को नकारने जैसा हो जाएगा कि लोगों के मन में एक असंतोष है कि बहुत समय बाद सरकार आई है और कार्यकर्ताओं को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा, ये वो महत्व नहीं मिल रहा जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलना चाहिए। ऐसी स्थितियां हैं और प्रयास इन बैठकों के माध्यम से यही रहता है कि पहले जानना कि क्या स्थितियां हैं, कहां दिक्कत आ रही है, क्यों दिक्कत आ रही है, और फिर उसको हल करने का प्रयास करना। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।